भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित करने के रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। अभी आपने जो सुना ये वक्तव्य किसी और का नहीं बल्कि हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, जो हाल ही में चल रहे संसद के सत्र के दौरान विपक्षियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में दिए गए थे। इस कथन से पहले इसी संसद के मानसून सत्र के दौरान रक्षा मंत्री ने ये भी कहा था, ये हमारा नया भारत है जो दुश्मनों के घर में घुसता भी है और मारता भी। ये सारी बातें चीन द्वारा भारत की सीमाओं में घुसने के लिए निरर्थक प्रयास के बाद ही की गई थी, जिसको लेकर दोनों देशों के सेनाओं में झड़प भी हुई। लेकिन जरा सोचिए, हमारे भारत की एकता के लिए जिन थल सेना के जवानों ने पूरे जोश के साथ चीनी सैनिकों का सामना किया, यदि इस विवाद में हमारे देश के वायुसेना का भी साथ मिल जाए तो कैसा होगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को भारत चीन सैनिकों के बीच हुए गतिरोध को देखते हुए भारतीय वायुसेना 2 दिवसीय अभ्यास करने जा रही है। यह सैन्य अभ्यास वायुसेना की युद्धक क्षमता को परखने के लिए किया जाएगा, जिससे जरूरत पड़ने पर उपयोग में लिया जा सके। इस अभ्यास के लिए उन सभी विमानों को शामिल किया गया है जो युद्ध के समय अग्रिम पंक्तियों में शामिल रहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस युद्धाभ्यास में सुखोई 30 MKY के साथ राफेल जेट को भी शामिल किया गया है। साथ ही इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्रों के सभी अग्रिम हवाई अड्डे और कुछ एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स भी शामिल है, जिस पर कुछ हफ्ते पहले ही चीनी ड्रोनों से निपटने के लिए लड़ाकू विमानों ने उड़ान भी भरी थी। ये भारत का सैन्य अभ्यास जिसके विरोध में हो रहा है वो भी इन सब के मामलों में पीछे नहीं है, यानी चीन भी अपने सैन्य विमानों की तैनाती करना शुरू कर चुका है। इसका खुलासा एक सैटेलाइट इमेज के माध्यम से हुआ, जिसमें अरुणाचल के तवांग में चीन ने भी अपने 10 एयरक्राफ्ट को तैनात किया है। इन तस्वीरों को मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी करते हुए बताया, भारत चीन बॉर्डर यानी LAC के करीब 155 किलोमीटर दूर चीनी एक्टिविटीज को देखा गया है। चीन द्वारा LAC के आसपास बढ़ाई गई सैन्य तैनाती कहीं न कहीं ये दिखलाता है हाल ही में हुए इस झड़प के बाद चीन शांति से बैठने वाला नहीं है। जिस तरह से भारत के केवल कुछ सैनिकों ने PLA के लगभग 300 सैनिकों को खदेड़ा, उससे चीन एक बार फिर से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह है, इस वायुसेना के अभ्यास के अलावा भारत सरकार इस मुद्दे से निपटने के लिए और क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।